नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। चपरासी का कारनामा, फरियादी पहुंचे शिकायत लेकर। जी हां, सिरोंज के ग्राम कच्छपुरा निवासी रामदयाल पुत्र करोड़ी लाल का प्राथमिक सहकारी समिति इकलौर में क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। जब बैंक में राशि निकालने के लिए वह गए, तब उनको पता चला कि प्राथमिक सहकारी समिति की उनके क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया गया है और प्रार्थी जब बैंक जाता है तो सही से जानकारी नहीं दी जाती है। इससे परेशान होकर जब रामदयाल अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिए, तब जाकर तहसीलदार द्वारा जांच की गई और पता चला कि कार्ड पर रामदयाल के क्रेडिट कार्ड से फर्जी तरीके से 65,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। रामदयाल के पास इकलौत सोसाइटी समिति के चपरासी शिव चरण द्वारा फोन लगाकर बुलाकर कहा गया कि तुम जांच मत कराओ, मैं तुम्हें 65,000 रुपये का चेक दे देता हूं, तुम रुपये निकाल लेना। पूरे मामले पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया है, किस विषय में दिया गया? जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत ग्राम कचपुरा के किसान करोड़ी मल और रामदयाल का 45,000 रुपये का कर्जा माफ हुआ था। इनको प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए थे, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा किसान कर्ज माफी की गई है उसके अंतर्गत इनको प्रमाण पत्र भी मिले थे। परंतु उस इकलौत सोसाइटी के जो प्यून हैं शिवचरण, उनके द्वारा इनके खाते से वो जो कर्ज माफी का पैसा आया था वो चोरी से निकाल लिया गया। कल जब इन लोगों ने आके इसकी शिकायत यहाँ पे तहसील कार्यालय में की और नायब तहसीलदार जी द्वारा इसकी जांच की गई, तो उसी सोसाइटी के प्यून द्वारा अपने खुद का एक पर्सनल चेक इनको दिया गया कि मैंने आपके खाते से पैसे निकाल लिए थे, आप ये खाते से दोबारा मेरे खाते से पैसे निकाल लेना। हमारी मांग है माननीय SDM साहब से और माननीय कलेक्टर महोदय से कि जितनी भी सोसाइटियाँ सिरोंज क्षेत्र के अंतर्गत हैं इनमें किसान ऋण माफ़ी की जाँच की जाए। और ये तो बाद में हुआ है, पहले समाधान में इन्हें निपटाया था, समाधान जमा करी थी। समाधान में जमा करने के बाद इनने जो करोड़ी लाल वे दोनों हैं बाप बेटा जिनके उनके खुद आए, उनने परमिट बनवा खाद के परमिट बनवा के अब किसे खाद भेज दिया क्या किया, अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अपन ने परमिट बना के दे दिया था, हाजीपुर सोसाइटी से खाद उठाया, अपने यहाँ से कोई खाद नहीं, अपन ने सिर्फ परमिट बना के दिया है। उनका आरोप है कि भाई आपने उनसे ब्लैंक उस पर साइन करा लिए। नहीं नहीं, ब्लैंक नहीं, परमिट बना के दिए हैं, हाथ में दिए हैं परमिट, तो साथ आए थे, परमिट बनाए, सब साथ में आए थे, साथ बना के परमिट दिया है। और आपके प्यू ने एक चेक जारी किया 65,000 का? नहीं नहीं, जब अगर उनने पैसे खुद ही निकाले थे, परमिट मतलब खाद लिया था, तो चेक क्यों दिया इनको? नहीं, चेक किस चीज़ का दिया? चेक अब वो खुद ही बताया किस चीज़ का दिया भाई। ऐसे आपके यहाँ से पीयू ने सब चरण जी उनने चेक दिया, पीयू ने जब वो सही थे, खाद उठाया था उनने, उसी चीज़ के पैसे हैं, तो उनको वापस क्यों दिए चेक? नहीं, उनका कहना ये है, कल हमारी बात भाई थी, कल जनसुनवाई उनसे बात करी थी, कल हमने उसे बुलाया था, इन लोगों को ही बुलाया था, तो इनका हिसाब हो गया उसकी ज़मीन जोतता है क्या करता है, कहने लगे जब मैंने इनसे पूछ के ही माने खाद लेके लिया था। अभी तो आप कह रहे थे कि खाद मैंने ही लिया? नहीं, वो तो कल की बात है, कल जनसुनवाई शिकायत करी थी, हम लोगों ने बुलवाए थे उन्हें। आपके जानकारी में नहीं है ये मामला अभी तक? नहीं, कल ही आया ना मामला जानकारी। अब क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई हमारे समिति प्रबंधक करेंगे, हमारे सुपरवाइजर्स करेंगे। समिति